केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को इंडियन डिफेंस फोर्सेस का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि अनिल चौहान उत्तराखंड से रखते हैं नाता। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली की कीमतों को बढ़ाने का लिया फैसला। फिलहाल यूपीसीएल की सिफारिश पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से 6.5% सरचार्ज बढ़ाने का लिया फैसला। चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरएसएस नेता विपिन करनवाल के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने विपिन करनवाल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग। चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा चंपावत ब्लॉक के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों के क्षेत्रों की समस्याओं को सुना गया और उनसे संबंधित सभी विभागों को कार्य करने के आदेश किए जारी। रुक करते हैं खेल की तरफ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला गया, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया।